Assalamu alaikum student. I hope you will be fine. Now I am going to teach you science subject. Class 6, unit number 6, that is air, page number 59 to 65. Air. What is air? Air is a mixture of gases. एयर जो है वो हमारे पास बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है. एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर और ये हमारे हर तरफ जो है वो मौजूद है. एटमोसफेयर, अब हम पढ़ेंगे एटमोसफेयर के एटमोसफेयर हमारे पास क्या है. एयर कवर द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट. एयर ने अर्थ को एक थिक ब्लैंकेट की तरह जो है वो कवर किया हुआ है और उस ब्लैंकेट को, एयर की उस ब्लैंकेट को हम क्या कहते हैं, इस काल दी एटमोसफेयर. देन हमारे पास आता है लेयर्स ऑफ एयर कि हमारे पास एयर की कितनी लेयर हैं एटमोसफेयर में. साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड एटमोसफेयर इंटू फोर लेयर. देयर आर, हमारे पास फोर लेयर कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड वन इज स्टेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मेसोस्फेयर एंड फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर. यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आपको किस तरह जो है वो लेयर्स के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है क्या है लेयर्स. फर्स्ट लेयर कौन सी आ रही है, ट्रोपोस्फेयर, देन स्टेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर और सबसे ऊपर जो है हमारे पास थर्मोस्फेयर है. जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाते हैं हमारे पास टेम्परेचर जो है वो चेंज होता जाता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट. यानी कि जितनी हाइट बढ़ती जाएगी हमारे पास टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा. देन हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एयर कि एयर की अहमियत क्या है हमारे लिए, इस अर्थ पे मौजूद हर लिविंग थिंग के लिए जो है एयर की इम्पोर्टेंस क्या है. एयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस. एयर हमारे लिए, हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. वी ब्रीथ इन द एयर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हवा की मौजूदगी में ही सांस लेते हैं. वी कैन नॉट लीव विदाउट इट, हम इसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते. एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, आग के जलने के प्रोसेस के लिए भी हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है. देन हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, वी पम्प एयर इन टू फुटबॉल. हम क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा हम फुटबॉल जो है वो उसमें क्या होता है, उसमें एयर जो है वो फिल की जाती है तभी हम जो है उसको उसके साथ जो है वो सारा प्ले कर सकते हैं. बलून्स में एयर फिल की जाती है, टायर्स जो हैं उनमें एयर फिल की जाती है और उसके बाद है इन आवर होम्स, अगर हम अपने घरों की बात करें, वी यूज़ एयर प्रेशर टू ड्रा डस्ट इनटू बैग्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर. वैक्यूम क्लीनर जो है वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है ड्यू टू एयर. उसके बाद फिश एंड अदर एनिमल्स इन वाटर यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर फॉर रेस्पायरेशन. हमारे पास जो कोई भी जो है फिश, जैसे कि हमारे पास वाटर एनिमल्स जो हैं, फिश और अदर एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये पानी में किस तरह से ज़िंदा रहते हैं, ये पानी में हवा की मौजूदगी से ज़िंदा रहते हैं क्योंकि जो हवा है वो डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, हल हो जाती है वाटर में, जिसकी वजह से क्या करते हैं, रेस्पायरेशन का अमल जो है वो जारी रहता है. किसके लिए, मछलियों के लिए और दूसरे जो है हमारे वाटर एनिमल्स के लिए. देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट यूज़ एयर टू मेक देयर फूड. प्लांट भी क्या करते हैं, एयर को यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर और अपने लिए क्या बनाते हैं, खुराक बनाते हैं. थर्ड वन हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ एयर. कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर का बनना, हवा हमारे पास किस तरह से जो है वो बनती है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, कंपोजिशन ऑफ एयर में कि किस तरह कंपोज होती है एयर. एयर हमने सबसे पहले इसकी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी हमने देखा था कि एयर हमारे पास क्या है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज. ठीक है, ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था एयर हमारे पास क्या है, डिफरेंट गैसेज का हमारे पास मिक्सचर है. वो मिक्सचर का मतलब है कि एक चीज़ जो है वो काफ़ी चीज़ों से मिक्स होकर बन रही है, उसको हम कहेंगे मिक्सचर. मेजर गैसेस इन द एयर, अब हम देखेंगे कि हवा में कौन कौन सी गैसेस हैं जिसकी वजह से जो है वो एयर है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अबाउट तकरीबन हमारे पास 78% जो है वो एयर इज़ नाइट्रोजन गैस है. हमारे पास हवा में 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है. देन हमारे पास सेकेंड पॉइंट आता है, अबाउट 21% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन गैस. 78% एयर हमारे पास कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है. सेकंड पॉइंट में हमारे पास 21% ऑफ जो हमारे पास एयर है वो किसका पार्ट है, ऑक्सीजन गैस का. देन थर्ड हमारे पास आता है अबाउट 0.03 to 0.04% ऑफ एयर इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस. 78% हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और 21% हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन गैस है. 0.03 to 0.04% जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. रिमेनिंग एयर कंटेंट रेयर गैसेस. रेयर गैसेस हमारे पास ऐसी गैसेस होती हैं जो बहुत नायाब होती हैं लाइक हीलियम एंड आर्गन वगैरह.
अब आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे आपको 100% एक जो है एयर का एयर की कंपोजिशन बताई गई है, जिसमें से 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद 21% ग्रीन ब्लॉक जो दिखाया जा रहा है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने जितनी पढ़ी थी 0.03 to 0.04 वो शो करवाई गई है पर्पल में। उसके बाद आप नेक्स्ट कलर देखें, उसमें है अदर गैसेस, यानी कि हमारे पास रेयर गैसेस जो हैं वो हमारे पास कौन सी हैं, आर्गन और हीलियम जो हैं वो उसका कुछ पोर्शन दिखाया गया है। और इस तरह हमारे पास एयर जो है वो कंपोज होती है 100%, इसमें कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 0.03 to 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और देन उसके बाद क्या आती हैं रेयर गैसेस। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, ओजोन, स्मोक्स एंड डस्ट पार्टिकल आर सो प्रेजेंट इन एयर। आपको पता ही होगा कि हमारे पास स्मोक और डस्ट पार्टिकल जो हैं वो भी प्रेजेंट करते हैं, वो भी पाए जाते हैं हवा में। उसके बाद वाटर वेपर्स भी हमारे पास हवा में मौजूद होते हैं जो कि बारिश का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से। उसके बाद ओजोन लेयर, ओजोन हमारे पास लेयर है वो हमारे पास सबसे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है वो हमारे पास लेयर होती है। ये ओजोन की लेयर क्या करती है, सूरज से आने वाली अल्ट्रा वॉलेट रेडिएशंस को, यानी कि बहुत सारी खतरनाक डेंजरस रेडिएशन को ज़मीन तक आने से रोकती है, उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारी चीज़ें जो है ये भी हमारे पास हवा में मौजूद होती हैं। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ऑफ गैसेस इन द एयर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो एयर में पाई जा रही हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी क्या यूजेज हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि हमारे पास 78% ऑफ नाइट्रोजन जो है एटमोसफेयर में हमारे पास एयर में मौजूद है। नाइट्रोजन पर देखेंगे कि हम नाइट्रोजन क्या है, व्हाट इज़ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द एयर, हमने पढ़ा था 78% है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, ये मेजर पार्ट है एयर का। इट इज़ कलरलेस गैस, कलरलेस गैस का मतलब है कि इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस है। इट हैज़ नो टेस्ट एंड स्मेल, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। इट इज़ स्लाइटली सोलिबल इन वाटर, और ये ईजिली जो है वो सोलिबल हो जाती है वाटर में। नाइट्रोजन डज नॉट बर्न, और ये जल्दी नहीं है। यूजेज ऑफ नाइट्रोजन में क्या आ जाता है, नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रेशनेस ऑफ फूड। हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व करने का मतलब है फूड की फ्रेशनेस को महफूज करने के लिए, कि हम उसे काफ़ी देर तक जो है वह महफूज कर सकें, और देन आफ्टर हम उसे यूज़ कर सकें। एज नाइट्रोजन डज नॉट बर्न, अगर नाइट्रोजन जो है नहीं जलती, इट इज़ यूज इन एक्सप्लोसिव स्टोरेज टैंक। तो ये किस में यूज़ की जाती है, एक्सप्लोसिव स्टोरेज टैंक में भी यूज़ की जाती है। एक्सप्लोसिव होते हैं डेंजरस, और स्टोरेज टैंक में यूज़ की जाती है। नाइट्रोजन इज़ यूज इन लाइट बल्ब टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग अप। अब आपने देखा होगा कि बल्ब में जो चीज़ ग्लो करती है वो हमारे पास फिलामेंट होता है। अब जब हम बल्ब में नाइट्रोजन फिल कर देते हैं तो उसके रिजल्ट में ये होता है कि उसके जो हमारे पास फिलामेंट है उसके ग्लो करने की वजह से हमारे पास बल्ब में आग नहीं लगती। आग क्यों नहीं लगती बल्ब में, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फिल है। और हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन डज नॉट बर्न, नाइट्रोजन जो है वो नहीं जलाई जाती, नहीं जलती, जलने के अमल में वर्क नहीं करती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो है हमारे पास खाद्य वगैरह लाइक अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कंटेन नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर्स जो हैं उसमें भी नाइट्रोजन जो है वो क्या करते हैं, यूरिया वगैरह जो खादें हैं फसलों को दी जाती हैं वो भी क्या करती हैं, नाइट्रोजन कंटेन करती हैं। नाइट्रोजन नेक्स्ट वन है हमारे पास, नाइट्रोजन इज़ यूज इन डाइज, मेडिसिन एंड एक्सप्लोजिव्स। नाइट्रोजन जो है हमारे पास डाइज क्या है, हमारे पास कि रंग को बदलना, डाइज जो आपको पता होगा रंग वगैरह तब्दील करना, मेडिसिन हमारे पास आ जाती हैं, दवाइयाँ और एक्सप्लोजिव हमारे पास आ जाते हैं, धमाका ही डेंजरस मवाद जो है हमारे पास आ जाता है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन एयर रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसमें बताया गया है कि हमारे पास नाइट्रोजन की हवा में जो मौजूदगी है वो किस चीज़ को रिड्यूस करती है, रिड्यूस करने का मतलब है कम करती है, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है, रस्टिंग का मतलब है जंग लगना आयरन लोहे को, लोहे को जंग लगने से बचाती है हमारे पास नाइट्रोजन की मौजूदगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज एज अ कूलेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ ब्लड एंड लार्ज कंप्यूटर सिस्टम। हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन है, उसको हम इसलिए भी कूलेंट प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम उसके कूल कर सकते हैं, देन हम उसको फ्रीज भी कर सकते हैं, और वो कंप्यूटर सिस्टम में भी हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन यूज होती है।
देन हमारे पास आती है ऑक्सीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा. नाइट्रोजन जो है वो उसका हमारे पास 78% मेजर पार्ट जो था हवा में मौजूद था. देन हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में. ऑक्सीजन में हम क्या कहेंगे, सेकेंड मेजर गैस ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन. दूसरी जो हमारे पास मेजर गैस आती है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है. ये भी हमारे पास क्या है, इट इज़ अ कलरलेस गैस. इसका भी कोई कलर नहीं होता, इट हैज़ नो स्मेल लाइक नाइट्रोजन. ऑक्सीजन इज स्लाइटली सोलिबल इन वाटर. और ये भी हमारे पास क्या है, वाटर में सोलिबल है. इट इज़ वेरी एक्टिव गैस और ये बहुत एक्टिव गैस है. ऑक्सीजन डज नॉट बर्न लाइक नाइट्रोजन. जिस तरह हमने यूजेस डिस्कस किए थे नाइट्रोजन के, उसी तरह हम यूजेस डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन के. ऑक्सीजन के यूजेस में फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. जितनी भी इस यूनिवर्स में हमारे पास जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, वो क्या करते हैं, सांस लेने के अमल में क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. विदाउट ऑक्सीजन वो हम हवा में सांस नहीं ले सकते. सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ वुड, कॉल एंड नेचुरल गैस. ऑक्सीजन जो है वो कोयले के या लकड़ी के जलने में बहुत जो है ज़रूरी है. एसेंशियल का मतलब है बहुत ज़रूरी है. उसके बाद इट डिज़ोल्व इन वाटर, ये इजीली डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एनिमल एंड प्लांट ब्रीथ इन दी वाटर लाइक नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का भी यही था कि वो जब वाटर में डिज़ोल्व होती थी तो हमारे पास जितने भी वाटर एनिमल्स थे वो क्या करती थी, वो उसकी मदद से ब्रीथ कर पाते थे. यहाँ पे भी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एनिमल्स एंड प्लांट्स जो क्या करते हैं, ब्रीथ इन वाटर, सांस ले सकते हैं पानी में. सम पेशेंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सम पेशेंट्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट डिजीज नीड ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल. अब यहाँ पे जितने हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जिनको सांस लेने में जो है वो मसला होता है, उनके लंग्स का या हार्ट का डिजीज़ होता है या कोई बीमारी होती है, तो उसके नतीजे में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू जो है सांस लेते हैं. उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, क्योंकि उनके लंग्स और उनका हार्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते उन पेशेंट के लिए. इसलिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करते हैं फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस. देन उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, माउंटेन क्लाइंबर्स. माउंटेन क्लाइंबर्स का मतलब है हवा पे पहाड़ों पे चलने वाले लोग. और सी डाइवर्स का मतलब होता है समुंदर की गहराइयों में जाने वाले लोग. एंड एस्ट्रोनेट्स कैरी, और एस्ट्रोनेट होते हैं हलाबाज गण के बाहर जाने वाले लोग, यूनिवर्स से बाहर जाने वाले लोग जो है वो क्या करते हैं, कैरी ऑक्सीजन इन सिलेंडर फॉर ब्रीथिंग. तो ये क्या करते हैं, ये भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं सांस लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे और बहुत ज़्यादा डेप्थ पे हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है. इसलिए वहाँ पे सांस लेना जो है वो आम जो है की निस्बत मुश्किल होता है. इसलिए वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए प्रॉपर तरीके से. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट इज़ यूज इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल. ऑक्सीजन हमारे पास वेल्डिंग और कटिंग, मेटल्स को वेल्ड करने के लिए और उनकी कटिंग के लिए, वेल्डिंग करना होता है मेटल्स को आपस में जोड़ना, कटिंग करने का अलहदा करना, और मेटल्स को उसके लिए भी हमारे पास ऑक्सीजन की जो है वो बहुत ज़रूरी है. और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ऑक्सीजन इज़ यूज इन पेपर इंडस्ट्री एज ब्लीचिंग केमिकल. ऑक्सीजन जो है पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है ब्लीचिंग केमिकल के तौर पर. देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है, रॉकेट जो यूज़ रॉकेट क्या करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करते हैं फॉर फ्यूल, फ्यूल एज अ फ्यूल, जिसकी मदद से जो है वो रॉकेट जो है वो फ्लाई करते हैं, उठते हैं. तो उसके लिए भी क्या जो है वो हमें चाहिए होता है, लिक्विड ऑक्सीजन उसके लिए एज अ फ्यूल चाहिए होता है, ताकि वो अपनी स्पेस जर्नी पे जा सके इजीली. देन थर्ड वन हमारे पास थी कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ी थी नाइट्रोजन. नाइट्रोजन में हम बताया था कि ये 78% है. फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन बताया था, ऑक्सीजन में हमारे पास 28% था. और कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड वन है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास एयर में कितनी थी, अबाउट 0.042 या 0.032 0.04%. अब हम इसको पढ़ेंगे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है और यूजेस हम इसके डिस्कस करेंगे इसमें. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ लेस देन 1%. 0.03 टू 0.04 ये हमारे पास ज़ीरो की लाइन में है, यानी कि ये हमारे पास 1% से भी कम है इसकी अमाउंट. इट इज़ कलरलेस गैस. गैसेस हमारे पास ऑलमोस्ट कलरलेस होती हैं, ठीक है. इट हैज़ नो स्मेल बट अ सॉर टेस्ट. इसका टेस्ट जो है थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसकी स्मेल नहीं होती. इट इज़ स्लाइटली सोलिबल इन वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बर्न लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन.
शूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ग्रीन प्लांट्स जितने भी हमारे पास जो है प्लांट्स वगैरह हैं अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं अपनी फूड बनाने के लिए। टू यहाँ पे देखें, फ्रॉम द एयर जितनी भी सराउंडिंग में जो है वो क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और उसको अपनी फूड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर बॉटल अंडर सम प्रेशर। आपने देखा होगा कि हमारे पास जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें क्या होता है कि उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड फिल की होती है। आप उन्हें खोलते हैं तो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती हुई में नज़र आती है उसमें से। तो हम यही इसमें कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर बॉटल्स अंडर सम प्रेशर। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है, अ फायर एक्सटिंग्विशर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू पुट ऑन फायर। अब आपने देखा होगा कि जहाँ पे कहीं आग लग जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि क्या करता है, आग को ख़त्म करने के लिए जो है यूज़ होता है। उसमें क्या पुट की होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पुट की होती है। वो क्या करती है, हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड डज़ नॉट बर्न, तो ये क्या करती है, ये आग बुझाने के प्रोसेस में यूज़ होती है। फोर्थ वन हमारे पास पॉइंट है, व्हेन द केक इज़ बेक, जब हम केक को बेक करते हैं बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन आउट, तो उसमें से कुछ बबल निकलते हैं। दिस बबल कॉज्ड द केक टू राइज एंड बिकम फ्लफी। जब ये बबल निकलते हैं केक में से तो केक हमारे पास बहुत सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बिकम फ्लफी, कि वो क्या हो जाता है, फ्लफी टाइप हो जाता है, नरम हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ है, जब हमारे पास बबल्स निकलते हैं इसमें से भी, हमारे पास जब हम केक को बेक करते हैं तो हमारे पास किस चीज़ के बबल्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इजीली फ्रोजन इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली हम उसको फ्रोज कर सकते हैं, यानी कि हम उसको ईजिली जमा सकते हैं किसमें, उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। सॉलिड फॉर्म होती है हार्ड शेप में लेके आ सकते हैं, फॉर्म विच इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। और हम उसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ड्राई आइस है, क्योंकि वो एक गैस की आइस है, ना कि वो हमारे पास किसी लिक्विड की आइस है, ठीक है। दिस ड्राई आइस इज़ यूज टू प्रिजर्व द फूड, और हम उस ड्राई आइस को खुराक को महफूज करने के लिए यूज़ करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेयर गैसेस। रेयर गैसेस जो है नायाब गैसेस में आ जाता है, नायाब बहुत कम पाए जाने वाली गैसेस को हम कहते हैं रेयर गैसेस। में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि रेयर गैसेस आर इंक्लूड, इसमें कौन सी गैसेस आ जाती हैं, आर्गन, नियॉन और हीलियम ईटीसी। ये हमारे पास कौन सी गैसेस हैं, रेयर गैसेस हैं। दे डिड नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट, ये दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट नहीं करती। दे डू नॉट कॉज बर्निंग, और ये बर्निंग के प्रोसेस में भी हिस्सा नहीं लेती, वजह नहीं बनती बर्निंग की भी। दे आर प्रेजेंट इन रेयर अमाउंट इन एयर, ये बहुत कम पाई जाती हैं एयर में, ठीक है। अब हम इसके भी यूजेस जो है वो डिस्कस करेंगे, लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यूजेस ऑफ रेयर गैसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ जाता है, आर्गन इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरोसेंट लैम्प। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है आपने देखे होंगे, और फ्लोरोसेंट लैम्प जो आम बल्ब जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है और फ्लोरोसेंट लैम्प, इनमें हमारे पास आर्गन जो है वो मौजूद होती है। नियॉन इज़ यूज इन कलरफुल एडवर्टाइजमेंट लाइट, ये हमारे पास कलरफुल जो लाइट्स होती हैं उसमें यूज़ होती हैं नियॉन, क्योंकि हमने उनको कलर देना होता है, उसके लिए नियॉन गैस जो है वो यूज़ होती है। हीलियम इज़ वेरी लाइट गैस, ये हीलियम जो है हमारे पास बहुत लाइट गैस है। इट इज़ फिल्ड इन वेदर बलून, ये इतनी हल्की गैस है कि जो हमारे पास वेदर बलून है, जो हवा में जाते हैं, वेदर बलून देखे होंगे आप लोगों ने, ये उसमें फिल की जाती है हीलियम गैस। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या हैं, अब हम इसको पढ़ते हैं डिटेल से कि वाटर वेपर्स क्या हैं। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज आल्सो प्रेजेंट इन एयर। हमने कुछ पोर्शन पढ़ा था उसमें कि हमारे पास कुछ जो है वाटर वेपर्स जो हैं मौजूद होते हैं, कुछ ओजोन और हमारे पास और अदर एलिमेंट्स जो हैं, डस्ट पार्टिकल जिसे हम कह रहे थे कि वो हमारे पास एयर में जो है वो प्रेजेंट हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही स्मॉल है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज़ आल्सो प्रेजेंट इन एयर, बहुत स्मॉल जो है हमारे पास अमाउंट पाई जाती है वाटर वेपर्स की। वाटर वेपर्स जो है हमारे पास पानी से निकलने वाले बहरात हैं, यानी कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो वेपर्स उठते हैं वो हमारे, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर्स। अब हम इसको पढ़ते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज़ आल्सो प्रेजेंट इन एयर, बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर चेंज विद चेंजिंग वेदर।
ये हमारे पास जो वाटर के वेपर हैं ये चेंज होते रहते हैं वेदर के चेंज करने से, यानी कि अगर हमारे पास मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसके नतीजे में हमारे पास वाटर वेपर्स कुछ और है, उनकी अमाउंट जो है पानी की अमाउंट और वाटर वेपर्स की वो कुछ और है, यानी कि ये क्या करते हैं वेदर चेंज के साथ खुद भी चेंज होते रहते हैं। हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कॉज रेन, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर की हमारे पास एयर में तो ये किसकी वजह बनते हैं, कॉज रेन, ये बारिश की वजह बनते हैं। बहुत ज़्यादा वाटर के वेपर्स का एयर में प्रेजेंट होना किसकी वजह बनता है, बारिश की। वाटर वेपर इन द एयर कंट्रोल द रेट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, ये क्या करते हैं रेट ऑफ वेपोराइजेशन को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स में। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर समटाइम्स प्रोड्यूस स्मोक, जो हमारे पास अक्सर ये होता है कि जो हमारे पास वाटर वेपर की प्रेजेंस है एयर में ये क्या प्रोड्यूस करती है, स्मोक, जो कि किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्मोक का और फॉग का। नेक्स्ट हमारे पास है डस्ट पार्टिकल्स। अब हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो है वेरी स्मॉल अमाउंट जो है वो डस्ट पार्टिकल की भी जो है वो मौजूद होती है एयर में। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स हमारे पास क्या हैं और किस तरह हम देख सकते हैं उन्हें। देन हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल आर सो प्रेजेंट इन द एयर। ये हमारे पास डस्ट और स्मोक जो है, डस्ट पार्टिकल और स्मोक ये हमारे पास एयर में मौजूद होते हैं। वी कैन सी डस्ट पार्टिकल इन द एयर, हम इन्हें ईजिली देख सकते हैं। और वो हम किस तरह देख सकते हैं वो हम पढ़ने लगे हैं, वो ये कि हम क्लोज ऑल द डोर एंड द विंडोज़ ऑफ योर रूम ड्यूरिंग द सनी डे। सनी डे में बहुत ज़्यादा जिसमें सूरज की शुआएँ हों उसमें हम क्या करें, अपनी कमरे की खिड़कियाँ हैं और खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लें। लेट द सन लाइट एंटर द रूम थ्रू अ स्मॉल होल, और हमारे पास सन लाइट जो है वो बहुत स्मॉल होल के थ्रू जो है वो कमरे में एंटर हो रही हो, और सी द डस्ट पार्टिकल। हम क्या करते हैं, जैसे ही वो सन लाइट जो है वो एंटर होती है उस सन लाइट के थ्रू हम देख सकते हैं कि कितने डस्ट पार्टिकल जो है वो इस कमरे में प्रेजेंट हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।